नून लीग फंस गई। मैं आपको एक बार फिर श्रीलंका ले जाता हूँ। श्रीलंका ने 12 अप्रैल को खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद मुल्क में बिजली, पेट्रोल और खुराक का बहरान पैदा हो गया। सरकारी सतह पर 8 घंटे लोड शेडिंग, ट्रांसपोर्ट की बंदिश और खुराक के लिए फसादात होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए, मारा मारी शुरू हो गई, सरकारी दफ्तर बंद हो गए और बाजार और मार्केटें वीरान हो गई। ये सूरत हाल नाजुक थी, लेकिन श्रीलंका की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। हुकूमत डटी रही और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को एपॉलिटिकल की पोजीशन पर कायम रखा। लिहाजा पिछले हफ्ते मुल्क भर के पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर आ गए। ये वजीरे आजम महिंदा राजा जापिक्से और सदर गोताबाया राजा पिक्से से इस्तीफा मांग रहे थे। वजीर आजम ने इसका दिलचस्प हल निकाला। उसने अपने हमायती नौजवान इकट्ठे किए, उन्हें लाठियां दी और मुजाहिरीन से निपटने के लिए रवाना कर दिया। ये लोग मुजाहिरीन पर पिल पड़े। हुकूमत के मनाजिर टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाने लगी। अवाम ने देखा और ये खौफजदा होने की बजाय मुजाहिरीन के साथ खड़े हो गए। पूरे मुल्क से लोग निकले और वुजरा और हुकूमती पार्टी के MPAs के घरों, गाड़ियों और इमलाक पर हमले शुरू कर दिए। वजीर आजम का आबाई हल्का हेमंटोटा में है। उनका खानदान 100 साल से वहाँ रह रहा है। ये शहर गाल की साइड पर जनूबी श्रीलंका में वाक़े है। इसके साथ वो मशहूर बंदरगाह वाक़े है, जिसे श्रीलंका ने 2017 में 99 साल की लीज पर चीन के हवाले किया था। हेमंटोटा की अक्सरियत वजीर आजम के हामी है, लेकिन इसके बावजूद लोग जमा हुए और उन्होंने वजीर आजम के आबाई घर को आग लगा दी। अवाम कोलंबो में वजीर आजम की सरकारी रहायश गाह के अंदर भी दाखिल हो गए। वजीर आजम ने खानदान के साथ तीसरी मंजिल पर पनाह ले ली, लेकिन हुजूम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा फौज मजबूरन वजीर आजम हाउस पहुंची, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और वजीर आजम को निकाल कर फौजी छावनी ले गए। मुल्क में इसके साथ ही कर्फ्यू लगा दिया गया। यूं श्रीलंका में इस वक्त गलियों और सड़कों पर फौज है। वजीर आजम मुस्ताफी हो चुके हैं, काबीना खत्म हो चुकी है, सदर अपना इस्तीफा जेब में डालकर फिर रहे हैं। मुल्क में कर्फ्यू है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट शदीद परेशानी में आसमान की तरफ देख रही है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को इस बहरान से अब सिर्फ IMF निकाल सकता है, लेकिन IMF से मुजाकरात के लिए हुकूमत चाहिए और श्रीलंका में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं। लिहाजा मुल्क को इस सूरत हाल से कौन निकालेगा? श्रीलंकन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सिर्फ इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, श्रीलंका के बाद हम टारगेट हैं। हम सिर्फ 1 महीने के फासले पर खड़े हैं। हमारे मालियाती जखायर महीने बाद खत्म हो जाएंगे और इस दौरान अगर इमरान खान ने भी कॉल दे दी तो हम भी मुल्क में कर्फ्यू लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये नौबत आ गई तो हमें कश्मीर, एटमी प्रोग्राम और गवादर तीनों से महरूम होना पड़ेगा। क्या हम ये चाहते हैं? मैं जमहूरियत पसंद हूँ। मैं दिल से समझता हूँ इस मुल्क को जमहूरियत और आइन के सिवा कोई ताकत नहीं चला सकती, लेकिन मैं भी इन हालात में ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ, हमारे पास अब एपॉलिटिकल की गुंजाइश नहीं रही। ये इमारत गिर गई है, हमने अगर इसे बचाना है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, और अगर ये नहीं उठाती तो फिर इसे श्रीलंका की तरह मुल्क का मलबा उठाना पड़ेगा। आप इमारत को सहारा दें या फिर मलबा उठाएं, ये दोनों काम जल्द या बादेर बहरहाल आप ही को करना पड़ेंगे। आप जरा सियासी सूरत हाल देख लें। इमरान खान हुकूमत मुकम्मल फेलियर थी, उसने बिल आखिर नवम्बर 2022 से पहले खत्म हो जाना था, लेकिन उसे जल्दबाजी में फारिग करके रियासत को मजीद कमजोर कर दिया गया। इमरान खान हुकूमत के खात्मे का सिर्फ 3 ताकतों को फायदा हुआ, वो बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर तर देखना चाहती है। ये ताकतें इस वक्त हमारी सूरत हाल को एंजॉय कर रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके पास इक्तदार में वापसी का सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। इसकी हरीफ जमातें नून लीग और PTI दोनों एक दूसरे से लड़ लड़कर खत्म हो जाएं और इसके बाद
मिर्जा यार और गलियां बच जाएं। लिहाजा इस सूरत हाल का पीपल्स पार्टी को फायदा हो रहा है। आप देख लें, हुकूमत बनते ही आसिफ अली जरदारी घर बैठकर तमाशा देख रहे हैं और उनके वुजरा किसी जगह हुकूमत का दिफा नहीं कर रहे। ये खामोशी से इमरान खान और शहबाज शरीफ की लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं और तीसरी ताकत इमरान खान खुद हैं। उनकी हुकूमत बद इंतजामी के खौफनाक गर्दाब में फंसी हुई थी। वुजरा बाहर नहीं निकल रहे थे। परवेज खटक 7 जनवरी को एबटाबाद के दौरे पर गए तो लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया था, लेकिन हुकूमत की रवानगी के बाद इमरान खान और पीटीआई दोनों को नया खून मिल गया। ये अब सड़कों पर भी हैं और लोग इनके बयानगी को कबूल भी कर रहे हैं। ये सूरत हाल अगर मजीद जारी रहती है तो नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को नुकसान होगा। मियां नवाज शरीफ यकीनन इस वक्त सोचते होंगे, मैं अगर जल्दबाजी ना करता और इमरान खान को सियासी शहादत का मौका ना देता तो आज हालात कितने मुख्तलिफ होते। ये अब इस नतीजे पर भी पहुंच गए होंगे, मैंने अगर कोई बड़ा फैसला ना किया तो नून लीग अपनी अवामी मकबूलियत खो देगी। क्यों? क्योंकि IMF ने नए मुआहदे से इनकार कर दिया है। हुकूमत को सऊदी अरब से भी दुआओं के अलावा कुछ नहीं मिला। चीन भी मौशी बहरान का शिकार है। ये दुनिया को अंदरूनी सूरत हाल से नावाकिफ रखने के लिए सियाहत नहीं खोल रहा, लिहाजा ये भी CPAC की रफ्तार बढ़ाने और पाकिस्तानी मईशत में रकम डालने के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप शदीद मंदी का शिकार है। वहाँ कुकिंग ऑयल और आटा नहीं मिल रहा। गैस की कमी की वजह से जर्मनी की इंडस्ट्री भी खतरात का शिकार हो चुकी है। अमरीका भी तारीखी महंगाई की जद में है। मौशी माहरीन का ख्याल है 2023 में अमरीका और यूरोप महंगाई और बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और तीसरी तरफ IMF भी मौशी दबाव में है, ये भी कर्जे देने की पोजीशन में नहीं, लिहाजा फिर हमें मदद कहां से मिलेगी। सवाल ये भी है, इन हालात का जनाजा किसको उठाना पड़ेगा? कंधे बहरहाल नून लीग ही के इस्तेमाल होंगे और मियां नवाज शरीफ को इस खौफनाक हकीकत का इदराक हो चुका है। ये जान चुके हैं मुल्क दिवालिया हो रहा था, हम श्रीलंका बन रहे थे और इमरान खान के दोस्तों ने इसे निकाल कर नून लीग को इस गिरती हुई चट्टान के नीचे खड़ा कर दिया है और हमने जज्बात में गलत सियासी फैसला कर दिया। ये यकीनन इस वक्त मान रहे होंगे हम फंस चुके हैं। हम अगर हुकूमत जारी रखते हैं तो हम साल के आखिर तक अपना वोट बैंक खो देंगे और हम अगर हुकूमत तोड़ देते हैं तो मुल्क की बहरान मजीद गंभीर हो जाएगा और आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी लीडरों से मीटिंग्स जारी हैं। मुझे महसूस होता है मियां नवाज शरीफ सियासी टेम्परेचर डाउन करने के लिए नए इलेक्शन की तारीख भी दे देंगे और इमरान खान को इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शंस की पेशकश भी कर देंगे। अगर इमरान खान मान गए तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में रियासत को उन्हें समझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। रियासत अगर कामयाब हो गई और इमरान खान हुकूमत के साथ बैठ गए तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में मियां नवाज शरीफ हुकूमत तोड़ देंगे और मुल्क को अल्लाह के आसरे पर छोड़ देंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया तो फिर मुल्क का वाकई अल्लाह हाफिज है, क्योंकि फौज बराह रास्त इक्तदार में नहीं आ सकती। मार्शल लॉ की सूरत में मुल्क पर इक्तसादी पाबंदियां लग जाएंगी और हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुल्क में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अबूरी हुकूमत बना देती है तो IMF और वर्ल्ड बैंक इसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा और यूं हम श्रीलंका बन जाएंगे। हमारे पास अब सिर्फ एक ही हल बचा है, हम फौरी तौर पर apolitical के बयानिए से निकलें और मुल्क की फिक्र करें। एस्टेब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए और ये लोग जब तक किसी मुतफिक्का लाहे अमल तक नहीं पहुंचते, आप उस वक्त तक उन्हें बाहर ना निकलने दें, खा इसमें हफ्ते ही क्यों ना लग जाएं, और इस दौरान मीटिंग्स की कवरेज पर पाबंदी लगा दें ताकि अफवाह साजी की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। दूसरा,
मुल्क में फौरी तौर पर जलसों, जुलूसों, रैलियों और लॉन्ग मार्चेस पर पाबंदी लगा दे। खुदा की पना, हमने 30 वर्षों से मुल्क में लॉन्ग मार्चेस के सिवा कुछ नहीं किया। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए, और अगर सियासतदान इकट्ठे नहीं होते तो फिर रियासत अपनी पूरी रिट इस्तेमाल करे। हमने अगर कल श्रीलंका की तरह मुल्क में कर्फ्यू ही लगाना है तो फिर हम आज रियासत की ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वक्त नहीं है, प्लीज आंखें खोलें, जो दिल करता है करें, लेकिन मुल्क बचाएं, वरना हम इस बजट तक नहीं पहुंच सकेंगे।